हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन स्टूडियो टारगेट ऑन के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अनिल मिश्रा, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ मित्रों। और इसी के साथ साथ आज की क्लास में हम लोग एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने चल रहे हैं। और आज की इस क्लास में मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की इस क्लास में हम लोग कालिदास पर चर्चा करने चल रहे हैं। कालिदास के बारे में आप जानते ही हैं कि उपमा कालिदासस्य, उपमा सम्राट, और संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वानों की कोटियों में कालिदास सबसे ऊपर, सबसे अग्रणी हैं। आज इन्हीं की एक महत्वपूर्ण रचना है मेघदूतम, जिसमें भौगोलिक वर्णन की एक विशद श्रृंखला रही है, या भौगोलिक वर्णन। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कालिदास की कौन सी रचना है जिसमें भौगोलिक वर्णन का ज्ञान कराया गया है, तो आज वही मेघदूतम है। और उसी मेघदूतम का द्वितीय भाग, जिसको हम लोग उत्तर मेघदूतम के नाम से जानते हैं, उसी के एक संक्षिप्त अंश को जो है हम लोग आज यहाँ पर अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इस विषय वस्तु को सबसे बड़ी चीज आज हमें अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि आप इसका अध्ययन कर चुके हैं, आप अपने करियर की तैयारी करने यहाँ आए हुए हैं, अब आपको शिक्षक जैसे पद को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले एक चीज यह होना चाहिए एक शिक्षक बनने के लिए कि आखिर प्रतियोगिता के स्तर पर जो भी विषय वस्तु हमारे निर्धारित होते हैं उनको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक प्रतियोगी को कैसे इसका अध्ययन करना चाहिए, ये सारी बातें आज इस क्लास के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे। हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप करियर की तैयारी करके आए हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया है, हाई स्कूल स्तर पर आपने अध्ययन किया है, संस्कृत जैसे विषय को आपने पढ़ा है, जाना है, समझा है, और कैसे यहाँ पर तैयारी करनी होती है एक प्रतियोगी को, इसको आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो रही बात सबसे बड़ी चीज, आज बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अलकापुरी का वर्णन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपके सामने कर रहे हैं कि सबसे पहले जैसे इस ग्रंथ का नामकरण जब थोड़ा सा चर्चा करेंगे मेघदूतम, मेघदूतम, यह मेघदूतम कालिदास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप देखते हैं कि विद्योत्मा के प्रसंग में जो एक तरह से किंवदंती के रूप में जब कालिदास का अध्ययन करते हैं तो एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न आपके सामने आता है। विद्योत्मा ने जो प्रश्न पूछा था कि द्वारिकपाटम देहि, और विद्योत्मा का जो जवाब था अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, और उसी वाग् विशेषः अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः में कश्चित् पद जो था, इसी कश्चित् पद से जो है कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यही वह ग्रंथ है जो कश्चित् पद से निर्मित है। इस ग्रंथ का निर्माण जो है कालिदास ने किया है, यही वह मेघदूतम है। और इस मेघदूतम में सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक गीत काव्य के रूप में वर्णित है। क्या है भैया, कह रहे हैं कि यह एक गीत काव्य के रूप में वर्णित है। कालिदास की पहली ऐसी रचना जिसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आखिर
इसके प्रसंग के बारे में थोड़ी सी उत्सुकता के बाद विषय वस्तु पर हम आते हैं। तो कहने का तात्पर्य एक चीज ये है कि इस गीत काव्य में कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कालिदास ने इतना जीवन प्रांत बना दिया, सजीव चित्रित कर दिया, जैसे हमारे आंखों के सामने जब इस घटना को हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि यह कल्पित नहीं है, यह एक समाज का एक अनूठा उदाहरण है जो समाज के सामने एकदम दृष्टिपटल पर अस्पष्ट रूप से, साक्ष्य रूप से दिखाई पड़ता है। तो देखें, यह है गीत काव्य है, इसे शोक गीत के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस गीत मेघदूतम का जो प्रसंग है, इस मेघदूतम के प्रसंग में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि आखिर अब हमें प्रतियोगिता के स्तर पर पढ़ना रहता है, कि थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हमें करनी इसलिए जरूरी है कि आखिर मेघदूतम में जो इसके पात्र हैं, पात्रों के वर्णन में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पात्रों में यक्ष है, यक्षड़ी है और मेघ। आपने देखा, यही तीन इसके बड़े महत्वपूर्ण पात्र हैं। आखिर इन तीन पात्रों के बीच कैसा प्रसंग है, क्यों इतना जो है यह कथानक जो है रुचिकर हो गया है। तो यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिए यहां पर यक्ष और यक्षड़ी की बात है। यक्ष देव योनि, यक्ष देवताओं की कोटि में आते हैं, इनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इनको सिद्धियां प्राप्त हैं, ये अपनी मनचाहा इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात अलकाधीश्वर, अलका के जो स्वामी हैं वो कुबेर हैं। कुबेर ने किया क्या है, क्योंकि अलकापुरी में, अलकापुरी कैलाश पर्वत पर स्थित है और वहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक बार यक्ष के स्वामी कुबेर ने यक्ष को एक नैतिक जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि अलकापुरी में स्वर्ण कमल से खिला हुआ सरोवर था, उसकी रखवाली की जिम्मेदारी जो है इस यक्ष के ऊपर निर्भर थी। और एक दिन संजोग बस ऐसी घटना घटित होती है कि रात्रि का एक पहर शेष था और इसे अपनी प्रिया की याद आई और इसने किया क्या कि उस सरोवर की रखवाली का कार्य छोड़ करके जो है प्रिया के पास चला आता है और सारे स्वर्ण कमल नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब सुबह कुबेर को इस बात की जानकारी होती है तो ऐसी स्थिति में यक्ष शापित हो जाता है, एक वर्ष तक अपनी प्रिया से वियुक्त हो जाता है और देव योनि से वह मृत लोक में आता है। और कहाँ आता है, रामगिरी पर्वत पर आता है। वह एक वर्ष शापित अवस्था का जो जीवन है उस रामगिरी पर्वत पर बिताता है। यक्षिणी अलकापुरी में विराजमान है और ऐसी स्थिति में वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है, बरसात के पहले दिन उस वर्षा ऋतु में इसे अपने बादलों को देख करके अपनी प्रिया की याद आ जाती है। और यही मेघ है, इसी मेघ, क्योंकि मेघ निर्जीव है। और देखिए कालिदास की इस कल्पना की बात को देखें कि एक निर्जीव में सजीव का कैसे चित्रण किया है। कालिदास की उपमाओं को यहाँ पर आज हम बड़े मार्मिक ढंग से देखने का प्रयास करेंगे कि मेघ को संदेश वाहक के रूप में अलकापुरी में यक्षड़ी के पास यक्ष भेजना चाहता है अपना संदेश, अपना कुशलक्षेम पहुंचाने के लिए कि आप अलकापुरी में मेरी यक्षड़ी के पास, मेरी प्रिया के पास मेरे इस संदेश को आप ले जाने में समर्थवान हैं, क्योंकि आप दुखियों के दुख को दूर करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे इस संदेश को मेरे प्रिया तक अवश्य ले जाएंगे। संदेश क्या था,
संदेश बहुत संक्षिप्त था, जैसे सामान्य जीवन में हमारे और आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वही कालिदास ने यहाँ पर स्पष्ट वर्णित किया है कि आपका प्रिय रामगिरि पर्वत पर कुशल से है और वह आपकी कुशलता चाहता है। यही संदेश था और यही संदेश लेकर के जो है यक्ष मेघ को जो है अलकापुरी जाना था। तो अब आपको ये प्रसंग समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी क्लास को पढ़ने से पहले उस विषय वस्तु की रोचकता को समझने के लिए कम से कम उसके प्रसंग की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं हम इस विषय वस्तु को जिसे आज आपको पढ़ना है। यह एक छंद है और यह छंद ये प्रसंग कहाँ का है? यह प्रसंग सबसे महत्वपूर्ण इसी मेघदूतम का एक अंश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मेघदूतम में मित्रों ये उत्तर मेघदूतम का उत्तर मेघदूतम का ये प्रथम श्लोक है। अब एक चीज ये है कि यहां पर हमें एक प्रतियोगिता के आधार पर इसको पढ़ना है और प्रतियोगिता के आधार पर पढ़ने का तरीका सबसे पहले तो आखिर इस मेघदूतम में उत्तर मेघदूतम की जो शुरुआत हम करने चल रहे हैं आखिर इस उत्तर मेघदूतम के प्रथम श्लोक में हमें कौन सी बातें बताई जा रही हैं। दूसरी चीज ये है कि उत्तर मेघदूत में कालिदास ने वर्णित क्या किया है, उत्तर मेघदूत में कैसे जो है प्रसंग का वर्णन यक्ष के द्वारा कथन किया जा रहा है। ये सारी बातों पर चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा, आपने देखा कि यह ग्रंथ दो भागों में वर्णित है जिसको हम लोग पूर्व मेघदूतम और उत्तर मेघदूतम कहते हैं। तो यहां पर हम उत्तर मेघदूतम में कालिदास ने वर्णित किया है संदेश कथन है, संदेश कथन है। इस संदेश कथन जो संदेश अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि आपका प्रिय रामगिरि पर्वत पर है, कुशल से है और आपकी कुशलता चाहता है, मतलब यक्षिणी की कुशलता चाहता है। यही संदेश अलकापुरी में कौन लेके जा रहा है? संदेश वाहक मेघ ले जा रहा है, क्योंकि मेघ है क्या? मेघ कामी है, यक्ष संतप्त है, वह भी काम से संतप्त है, उसके अंदर भी काम की विरह वेदना उत्पन्न हो गई है। लेकिन यक्ष यह संतप्त अवस्था में क्यों है? क्योंकि उसके स्वामी ने उसको श्राप दे दिया। तो एक चीज तो कथन हो क्लियर हो गया कि यह संदेश कथन है, इस उत्तर मेघदूतम में संदेश कथन है। अब रही बात यह है कि अलका में पहुंच चुका है मेघ, कहां पहुंच गया है? अलकापुरी में पहुंच गया है, अलकापुरी में पहुंच गया है। अब रही बात यक्ष कह क्या रहा है, बात यह बड़ी रोचक है कि आखिर यक्ष मेघ से कह क्या रहा है। यक्ष मेघ से सबसे महत्वपूर्ण बात जो दर्शाने जा रहा है, जो कहने जा रहा है कि हे मेघ, मैं आपको अलकापुरी जाने के लिए प्रेरित तो कर रहा हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अलका को देख करके ऐसा नहीं है कि आप अलका को नहीं पहचान पाओगे, आप अलका को देख करके ही पहचान जाओगे। पहचानने का कारण क्या है, क्यों पहचान जाओगे? क्योंकि आपके अंदर जितनी विशेषताएं विद्यमान हैं वो सारी विशेषताएं अलका के महलों के अंदर विद्यमान है, इसलिए आपको अलका को पहचानने में, अलकापुरी को पहचानने में आपको तनिक भी संकोच नहीं होगा, तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगा, आप अलका को जरूर पहचान जाओगे। अब रही बात, ये प्रसंग आपको मालूम हो गया कि आखिर कैसे पहचानना है। तो
अब रही बात, एक चीज ये है कि हमें प्रतियोगिता के स्तर पर बढ़ना है तो सबसे पहले एक प्रतियोगी को करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज ये होती है कि देखिए, ये छंदबद्ध रचनाएं होती हैं। आपने देखा कि ये छंदबद्ध रचना है, तो छंदबद्ध रचना में सबसे बड़ी बात एक चीज ये होती है कि छंदों पर आधारित है, छंद गान पर आधारित होता है। तो संस्कृत भाषा को कम से कम हमें शुद्ध पढ़ना चाहिए, और यदि संस्कृत भाषा को यदि हमें शुद्ध पढ़ना समझ में आ गया तो निश्चित रूप से जो है हम अपने विषय को सरल बना सकते हैं, उसके पदों को समझ सकते हैं, उसके विशेषताओं को जान सकते हैं। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि देखिए, ये पूरा ग्रंथ है, परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो जाता है कि यह ग्रंथ जो है मंदाक्रांता छंद पर आधारित है। संपूर्ण ग्रंथ मंदा, संपूर्ण ग्रंथ जो है किस पर आधारित है भैया? तो कह रहे हैं कि संपूर्ण ग्रंथ जो है हमारा जो है ये कह रहे हैं कि ये है मंदाक्रांता छंद पर आधारित है। मंदाक्रांता छंद पर आधारित है, और सबसे बड़ी बात तो एक चीज है कि इसमें वर्णों की जो संख्या होती है 17 होती है। और एक इस छंद की एक बड़ी विशिष्टता है कि यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छंद है, क्योंकि विरह भाव है। तो देखिए, यक्ष कैसे जो है इस विरह भाव को मेघ से कह रहा है कि आप अलका को जरूर पहचान जाओगे। तो सबसे पहले तो एक इसको हम लोगों को वाचन कर लेना चाहिए कि मेघदूतम को हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो आइए फिर इसकी आज शुरुआत करते हैं, फिर इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ये हमारा श्लोक है और इसको थोड़ा सा आप पढ़ लें। तो देखिए, शुरुआत किया जाता है कैसे इसको पढ़ना चाहिए। विद्युतवन्तं ललित बनिता सेन्द्रचापं सचित्रा संगीताय प्रहत मुरझा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतसितोयं मणिमय भुवः तुंगमयाब्रलिहाग्रा प्रासादा त्वां तुलयुतयलं यत्र तैतै विशेषै। तो यह एक पढ़ने का तरीका है कि कैसे हम इस ग्रंथ को पढ़ें, कैसे मंदाक्रांता छंद को पढ़ें। तो देखिए, इस तरह से अब आप पढ़ते हैं यदि, तो निश्चित रूप से आप अपने विषय में पारंगत हासिल कर सकते हैं। अब आइए, इसको हमने पढ़ने का तरीका और कैसे हमें प्रतियोगिता के आधार पर इसको जानने की बात होती है। तो दो बातें तो आपको स्पष्ट हो गई कि सबसे पहले कि मंदाक्रांता छंद कैसे पढ़ा जाता है, मंदाक्रांता पढ़ने का तरीका क्या है। 17 वर्ण होते हैं इसमें, 4, 6 और 7 पर जो है यति होती है। आप देखते हैं 4, 6 और 7 पर यति होती है। पहले आप 4 वर्णों पर रुकते हैं, फिर 6 वर्णों पर रुकते हैं, फिर 7 वर्णों पर रुकते हैं। ये इसका एक पढ़ने का तरीका होता है। अब रही बात, देखिए यक्ष कह क्या रहा है, मेघ से कह रहा है कि देखिए, यहाँ पर नीचे वाली पंक्ति पर जब हम आते हैं तो यहीं से शुरुआत करते हैं कैसे किसी श्लोक को पढ़ा जाता है। त्वाम तुलैतुम अलम यत्र तै तै विशेषै। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप देखिए, यहाँ पर त्वाम शब्द आया हुआ है, या बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अब दो बातें हैं, एक तरफ इस श्लोक को पढ़ने के लिए आपको
अलका के प्रासादों की विशेषता जाननी है। अलका के प्रासाद कैसे हैं, प्रासाद मीन्स महल, और एक तरफ मेघ है, और कालिदास ने कितने मार्मिक ढंग से इस श्लोक को आपको पढ़ाने का समझाने का कौशल उनको देखने की जरूरत है कि आखिर कैसे उनके अंदर ये कला विकसित है, कैसे वो अपने भाव को यहाँ पर रखना चाहते हैं। यहाँ पर अलका के प्रसाद के लिए जो है सब सारे प्रथमांत पदों का प्रयोग किया है, प्रथमांत पद का प्रयोग किया है। आप देखिए जैसे ललित वनिताह पद है, सचित्राह पद है, प्रहत मुरजाह पद है, मणिमय भुवह पद है, अभ्रलिहाग्राह है, ये सारी चीजें देखिए आपने अलका के प्रसादों के बारे में बता दिया। क्योंकि यहां पर जो नीचे वाली पाएंगे त्वाम तुलई तुम अलम यत्र तई तई विशेष, त्वाम मीन्स इस मेघ में या मेघ के लिए आया हुआ है। यहां पर कालिदास समझाने का कैसे प्रयास करते हैं कि त्वाम तुलई तुम, त्वाम तुलई तुम यत्र तई तई विशेष, मतलब मेघ के अंदर जो विशेषताएं आपके अंदर, मेघ के अंदर संदेश वाहक के अंदर जो जो विशेषताएं विद्यमान है, वो सारी विशेषताएं उन अलका के महलों में विद्यमान है। तो इस तरह से कालिदास समझाने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा कि ये सारे चाहे ललित वनिता हो, चाहे सचित्रा हो, चाहे प्रहत मुरजा हो, चाहे मणि मैं भुआ हो, चाहे अभ्रलिहाग्रा हो, ये सारे पद जो है अलका के महलों की विशेषता है। आप दूसरी बात को देख लीजिए, कह रहे कि विद्युतवंतम सेंद्र चापम स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम अंतस्तोयम। आप देखिए अभ्रम, ये सारे विशेषण जो है द्वितीय विभक्ति में जितने द्वितीय विभक्ति में जितने पद हैं, द्वितीय विभक्ति में यहां पर जितने पद हैं, वो सारे पदों में मेघ के विशेषण विद्यमान है, मेघ के विशेषण विद्यमान है। यही आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हमें इस श्लोक को पढ़ना है, कैसे कालिदास जो है इस श्लोक को आपको समझाना चाहते हैं कि प्रथमांत पद अलका के विशेषण बता दिए, द्वितीयांत पद आपको सारे पद जो है आपको मेघ के विशेषण बता दिए। अब इसको देखिए हम लोग क्लियर कर देते हैं कि आखिर ऐसी क्या बातें हैं। यहां पर जो यक्ष कह रहा कि त्वाम तुलई तुम अलम यत्र तई तई विशेष, त्वाम तुम्हारे अंदर जो जो विशेषताएं हैं वह अलका के महलों में विद्यमान है। तो आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आपके अंदर विद्यमान है। तो पहली पंक्ति पर आइए, इसका हम लोग वाचन करते अध्ययन करते हैं कि आखिर पहली पंक्ति में कालिदास क्या बताना चाहते हैं कि अलका के महलों में कौन सी बातें बताई गई हैं। तो कह रहे कि यत्र, यत्र पद किसके लिए आया हुआ है भैया, कह रहे कि यत्र पद उस अलकापुरी के लिए आया हुआ है, अलकापुरी के लिए आया है, जिस अलकापुरी में यक्ष पहुंच चुका है। पहले तो उस यक्ष को यक्ष परिचय बता रहा कि कैसे आप उसको देख करके पहचान जाएंगे, अवश्य पहचान जाएंगे। पहचानने की जो पहली विशिष्टता बताई जा रही है कि वह अलकापुरी के जो प्रासाद हैं, यहां पर प्रासाद शब्द आया हुआ है, अलकापुरी के महल कैसे हैं, अलकापुरी के जो महल हैं वह गगनचुंबी हैं।
अलकापुरी के महल कैसे हैं, सत मंजिले भवनों को प्रासाद कहा जाता है, यह भी एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। अब इन प्रासादों में है क्या, तो पहली विशिष्टता बताई जा रही है कि अलकापुरी के जो प्रासाद हैं, जो महल हैं, ललित वनिता है। उस भवनों में सुंदर रमणियां विद्यमान है। ललित वनिता पद क्या है भैया, कह रहे कि बहुव्रीहि समास का बड़ा उत्तम उदाहरण है। कह रहे कि उन प्रसादों में ललित वनिताएं हैं, सुंदर रमणियां विद्यमान है। कैसे विद्यमान है, क्योंकि आप भी तो देख लीजिए। कह रहे कि विद्युतवंतम, आपसे तुलना की जा रही है क्योंकि आप विद्युतवंतम, आपके अंदर विद्युत विद्यमान है, क्योंकि विद्युत मेघ की जो प्रेयसी है, जो प्रिया है, वह विद्युत है। और वह विद्युत की सबसे बड़ी विशिष्टता क्या है कि मेघ से एक क्षण भी वो अलग नहीं रहती है। तो कह रहे कि यदि मेघ है दीप्तवान है, यदि मेघ सदैव प्रकाशित हो रहा है, तो अपनी प्रिया के कारण प्रकाशित हो रहा है, अपनी प्रेयसी के कारण प्रकाशित हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जो अलका के प्रासाद हैं, अलका के जो महल हैं, उन महलों में जो चमक है, उस चमक का कारण क्या है कि उस महलों में ललित वनिताएं पाई जाती हैं। दूसरी विशिष्टता आई, कह रहे कि यत्र तय तय विशेष ही, जो जो विशेषताएं आपके अंदर हैं वो अलका के प्रसादों में हैं। तो पहली विशिष्टता तो आपने देख लिया कि भाई उस महलों में क्या है, सुंदर रमणियां हैं। दूसरी विशिष्टता आपको बताई जा रही, जरा इसको भी देख लेने की जरूरत है। करें कि सेंद्र चापम सचित्रा, भाई यह है दूसरी विशिष्टता क्या है। पहले हम मेघ की विशिष्टता को जान लें कि मेघ के अंदर क्या विद्यमान है। कह रहे हैं कि इंद्रचाप, आप देखिए वर्षा ऋतु का समय यदि है, तो वर्षा ऋतु में जब वर्षा होने के पश्चात बादलों में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, और इंद्रधनुष के दिखाई पड़ने से, क्योंकि वह सतरंगी है? वह सतरंगी है, सात किरणों की आवृत्तियों से बना हुआ है। कालिदास की उपमा को आपको देखने की जरूरत है। करें कि जिस प्रकार से मेघ है इंद्रधनुष से सदैव सुसज्जित रहता है, सुशोभित होता रहता है, वैसे जो अलका के प्रासाद हैं, अलका के प्रासादों की क्या कंडीशन है, करें कि सचित्रा है। जैसे मेघ सदैव इंद्रधनुष से सुसज्जित रहता है, वैसे अलका के महल सदैव चित्रों से सुशोभित रहते हैं। सबसे बड़ी विशिष्टता आप देखते जाइए, चाहे विद्युतवंतम पद हो, चाहे ललित वनिताह पद हो, चाहे सेंद्र चापम पद हो, चाहे सचित्रा पद हो, सारे पदों में बहुव्रीहि समास का उत्तम उदाहरण है। एक यह भी अनुपम अनूठी बात यहां पर की जाएगी। अब आइए तीसरी विशिष्टता की बात करते हैं कि मेघ है क्या विशेषता बता रहा है कि त्वाम तुल्युत अलम यत्र तय तय विशेष। दो विशेषताओं को तो हम लोगों ने जान लिया। अब तीसरी विशिष्टता के बारे में संगीताय की बात की जा रही है। सबसे पहले संगीत के बारे में आपको जानना जरूरी है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पद है संगीताय। अब कह रहे हैं कि संगीत कहते किसको, संगीत के लिए होना क्या चाहिए। संगीत में तीन तत्वों का होना नितांत आवश्यक है। संगीत में नृत्य होना चाहिए, संगीत में गीत होना चाहिए, संगीत में वाद्य होना चाहिए। कह रहे हैं कि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए, संगीत में गान गीत होना चाहिए, और संगीत में क्या होना चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए। इन्हीं तीन तत्वों के योग से जो है निर्माण किसका होता है, संगीत का निर्माण होता है। अब कह रहे हैं कि देखिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीसरी विशिष्टता जब आती है तो पहले हम मेघ को देख लेते हैं। मेघ में क्या है, आप देखिए वर्षा ऋतु की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वर्षा ऋतु में जब घने बादल छाते हैं तो कह रहे कि स्निग्ध गंभीर घोषम मधुर और गंभीर ध्वनि का उद्गम होता है मेघ में। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो मेघ करता क्या है, मधुर
और गंभीर घोष करता है, मतलब मधुर और गंभीर ध्वनि करता है। इसका मतलब संगीत का एक प्रसाधन मेघ के पास वहां पर विद्यमान है। तो क्या अलका के प्रसादों में भी ऐसी विशिष्टता पाई जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि संगीताय प्रहत मुरजा, अलका के प्रसादों में भी वह विशिष्टता है। क्या है? वहां उनके महलों में प्रहत मुरजा है। प्रहत मुरजा है क्योंकि वाद्य यंत्र है जिसको हम लोग मृदंग आदि कहते हैं। कह रहे कि सदैव अलका के महलों में मधुर और गंभीर ध्वनि करने वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, और वह वाद्य यंत्र क्या है? कह रहे कि मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग हुआ करता है। यह भी अलका की एक विशिष्टता है। इसके बाद आप आइए देखिए अंतिम पंक्तियों के बाद हम कहते हैं, यहां पर सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि आखिर मेघ सुशोभित होता है। क्यों सुशोभित होता है? यहां पर हम चौथी विशिष्टता की बात करते हैं। कह रहे हैं कि अंतस तोयम, तोय क्या होता भैया? तोय कहते हैं जल को। जल का बहुत अच्छा पर्यायवाची पद है। यह भी बहुव्रीहि समास का बड़ा उत्तम उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का एक उत्तम उदाहरण यह है, तो अंतस्तोयम। यह पद किसके लिए आया हुआ है? मेघ के लिए आया हुआ है। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई जा रही है। कह रहे कि अंतस्तोयम क्योंकि मेघ सुशोभित है, क्योंकि यह विशेषता आपके अंदर है, आपके अंदर सदैव जल विद्यमान है। क्योंकि आपके अंदर जल विद्यमान होने के कारण आप सदैव सुशोभित होते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपके अंदर जल विद्यमान होने से मेघ सुशोभित होता रहता है, ठीक वैसे ही कह रहे कि जो अलका के प्रासाद हैं, मणिमय भुवा है, कह रहे कि उनकी जो फरसे हैं, भवनों की जो फरसे हैं, वह जैसे आपके अंदर जल विद्यमान होने से सुशोभित होते हैं, वैसे अलका के प्रासादों की जो फरसे हैं वह मणियों से युक्त हैं, वह श्वेत मणियों से सुशोभित हो रही हैं। और अंतिम विशिष्टता को ध्यान में देने लायक है। कह रहे कि अभ्रम, अभ्रम लिहाग्रा है। अभ्र कहते हैं किसको? त्वाम अभ्रम। अभ्र किसका पर्यायवाची है? आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश बहुत सामान्य तो है नहीं, आकाश विशिष्ट है, हैं? और कह रहे कि अभ्र जैसे आकाश, त्वाम तुम बहुत ऊंचे हो, तुम बहुत ऊंचे हो। तो कह रहे कि ऊंचे होने का तात्पर्य क्या है? कि जैसे आप बहुत ऊंचे हैं, वैसे ठीक जो अलका के प्रासाद हैं, वह प्रासाद कैसे हैं? तो कह रहे कि अलका के प्रासाद भी जो है, त्वाम अभ्रम, उन गगन चुंबी हैं, आकाश को छूने में समर्थवान हैं। तो इस तरह से देखिए, कह रहे कि यत्र तय तय विशेषई, जो जो विशेषताएं मेघ के अंदर था, सारी विशेषताएं अलका के अंदर विद्यमान है, अलका के प्रसादों में विद्यमान है। यदि आप ऊंचे हैं तो अलका के प्रसाद भी जो है आकाश को छूने में समर्थवान है, वह गगन चुंबी है, सत मंजिले हैं। तो यह भी आपकी पांचवी विशिष्टता बताई जा रही है। अब यही बात है, अब आप देखिए आपके प्रश्न कैसे निकलना शुरू हो गए। यहां से आपने देखा कि इस संपूर्ण श्लोक में कालिदास ने मेघ से जो है प्रासाद की उपमा दी है। मेघ से किसकी उपमा दी है? प्रासाद, अलका के प्रासाद की उपमा दी है। तो आपसे यह प्रश्न बनना वाजिब हो जाता है कि आखिर आप बताएं कि इस श्लोक में जो है किस अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको निश्चित रूप से बताना चाहिए कि जब उपमाएं दी जा रही हैं तो यहां पर पूर्ण पूर्णोपमा, आप देखिए क्या है भैया, यहां पर पूर्णोपमा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो आपका यहां से निकल करके आ जाना चाहिए कि इसमें पूर्णोपमा अलंकार का विद्यमान।
अब रही बात यह है कि अलका के प्रसादों की विशेषता बताई गई है, अलका के प्रसादों की कितनी विशेषताएं बताई गई, तो आपने देखा कि अभी हमने अलका के प्रसादों में ललित वनिता पाई जाती है। अलका के प्रसादों में क्या है भैया, वह चित्रों से युक्त हैं। कह रहे कि अलका के प्रसादों में मधुर ध्वनि करने के लिए जो संगीत का साधन है मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। कह रहे कि अलका के प्रसादों में जो फरसे हैं कैसी हैं, मड़ियों से युक्त हैं। कह रहे कि अलका के प्रसाद कैसे हैं, अभ्रम लिहाग्रह है, गगन चुंबी हैं, आकाश को छूने में समर्थवान हैं। तो ये सारे पद जो हमने विशेषता के रूप में देखा, मेघ से विशेषता की गई है, जिसमें हमने आपसे कहा कि सारे प्रथमांत पदों का प्रयोग किया गया है, तो एक सारे पदों में चाहे वह मेघ का विशेषण हो जिसमें द्वितीयांत पदों का प्रयोग है, चाहे जिसमें प्रथमांत, सारे पदों में सबसे बड़ी विशिष्टता तो ये आ गई है कि इसमें बहुव्रीय समास का विधान कर दिया गया है। आंख मून करके आपको चाहिए कि संपूर्ण पदों में चाहे अंतस्तोयम हो, चाहे विद्युतवंतम हो, चाहे ललित वनिता हो, चाहे सेंद्र चापम हो, चाहे सचित्रा हो, चाहे प्रहत मुरजा हो, चाहे स्निग्ध गंभीर घोषम हो, सभी पदों में बहुव्रीय समास का विधान कर दिया गया है। तो एक प्रतियोगी को आंख मूंद करके यहां से यदि प्रश्न बनना चाहिए, कोई भी पद यहां पर दिया गया है तो निश्चित रूप से आपको जो है यहां पर बहुव्रीय समास का विधान कर देना चाहिए। तो आप छंदों के बारे में जान लिया, आप इस श्लोक में अलंकारों के बारे में जान लिया, आप इस श्लोक में वर्णन क्या है, तुलना किससे की गई है, कितनी विशेषताएं बताई गई हैं, आपने इसको भी जान लिया। अब रही बात, एक चीज और आपसे बताने की जरूरत है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं, संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए जो है कैसे हमें कहां कहां सावधानी ध्यान देने लायक है। सबसे पहले पद पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस श्लोक की शुरुआत विद्युतवंतम पद से की जा रही है। यह विद्युतवंतम पद किसके लिए आया हुआ है, तो मेघ के लिए आया हुआ है या मेघ का पर्याय निर्देशित कर रहा है। विद्युतवंतम विद्युत धन मतुप, इसमें मतुप प्रत्यय का विधान किया गया है, विद्युत धन मतुप, विद्युत धन मतुप विद्युतवान, क्योंकि आप विद्युतवान हैं भाई, आप विद्युतवान हैं, आप विद्युत है, क्योंकि बिजली के प्रकाश से आप सदैव प्रकाशित रहते हैं, आपका अपनी प्रिया से कभी अलगाव नहीं होता है, आपकी शोभा को बढ़ाने के लिए वह सदैव आपके साथ रहती है। तो यह प्रश्न बनना वाजिब है कि यह पद कैसे बना हुआ है, इस पद में कौन सा समास है। अभी आप 2021 की परीक्षा को देखें तो अब विषय वस्तु को पढ़ने के लिए आपको केवल रट लेने की जरूरत नहीं है, अब भाषा के प्रयोग में आपको सामासिक पदों को जानना पड़ेगा, कारक के पदों को जानना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी सोचे नहीं रहे होंगे कि 2021 में जो है 16 प्रश्न समास से पूछे गए हैं, जो किसी भी परीक्षा में आज तक की परीक्षा की प्रणाली के बदलते स्वरूप को एक नया संकेत दिया जा रहा है, आगे आपको कैसे पढ़ने की जरूरत है। लास्ट लाइन में यदि आप आए तो आप देखें यत्र तई तई विशेष, यहां से भी प्रश्न बनना वाजिब बनता है कि आखिर यत्र तई तई विशेष, आखिर मेघ के अंदर कितनी विशेषताएं हैं जो अलका के प्रसादों में विद्यमान है। तो अभी इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर लिया कि कुल 5 विशेषताओं की बात की गई है, कि 5 विशेषताएं के माध्यम से मेघ के जो अंदर 5 विशेषता पाई गई है, उन्हीं 5 विशेषताओं से अलका के प्रसादों की विशेषता बताई जा रही है। तो इस तरह से आपको पढ़ने की जरूरत है। प्रहत मुरजा है, इंद्रचाप जैसे पद शब्दार्थ की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, ललित वनिता का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, सुंदर रमणीया, तो एक श्लोक को हमें ऐसे ही पढ़ने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप
केवल सफलता नहीं अर्जित करेंगे, आप जो है शिक्षक जैसे पद के उच्च पद पर श्रेष्ठ स्थान को अर्जित करते हैं, कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं, धन्यवाद।